आईपीएल का 33 मैच यानी 33वां मैच पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। तो भाई मेरे, जैसा कि जानते हो मुंबई इंडियंस पंटर को जितना बर्बाद की है उतना कोई टीम नहीं किया है। हारी है तो भी बर्बाद करके गई है, जीती है तब भी रेट नहीं दी है। तो काफी डेंजर मुकाबला होने वाला है पंजाब किंग्स और मुंबई। क्या इस मैच में पंटर कमा पाएगा, कैसा मैच होने वाला है, कौन सी टीम जीतने वाली है, यहाँ पे सेशन क्या होगा, इस पिच पे क्या रिपोर्ट है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड है, दोनों टीम कितने अच्छा खेल सकते हैं इस पिच पे, सब कुछ एनालिसिस मिलेगा। साथ में आपको ड्रीम इलेवन टीम भी दूंगा, वीडियो क्लास में बने रहिएगा। मुंबई इंडियंस तो दो जीती है, दोनों स्टेट मैच हुआ था। मुंबई इंडियंस दो मैच जीती थी, आरसीबी और डीसीसी। लेकिन हाँ, पंजाब जीती है, घोड़ा उड़ा के जीती है। डीसी से ले लो या फिर जीटी से, दोनों मैच में घोड़ा उड़ा है। तो पंजाब ये जीतेगी तो घोड़ा मैच होगा, तो ध्यान में रखिएगा इस बात का। तो चलिए बात करेंगे कैसा मैच होने वाला, सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं विक्रम जडिया बोल रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए 9319409525 और सेकेंडरी नंबर है 7290011119। पहले नंबर पे रिप्लाई अगर ना मिले मैसेज कीजिएगा, मैच सेशन से रिलेटेड रिप्लाई ना मिले तभी दूसरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे प्रॉफिटेबल आपको काम इंट्री के साथ कराया जाता है, सेशन भी कराया जाता है, तो जरूर ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन साथ में आपको सुविधा के लिए कमेंट में भी दे दिया हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। काफी धमाकेदार काम दिया जा रहा है हमारे तरफ से, तो ज्वाइन कीजिए। बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में। मैच यहाँ पे खेला जाएगा चंडीगढ़ मुलानपुर स्टेडियम में, पंजाब में मैच खेला जाएगा। कैसा स्टेडियम है, कैसा पिच है यहाँ पे, देखो तीन मैच यहाँ पे हुए हैं, एक मैच डिफेंड जीत करके जीती है टीम, दो चेस करके। लास्ट मैच इस पिच पे हुआ था, किसका मैच हुआ था, राजस्थान का मैच हुआ था पंजाब के बीच। क्या कितना लास्ट तक गया था, उसमें समझो 10 पैसा राजस्थान से पंजाब 90 पैसा तक फेवरेट आई थी, कमाने वाला मैच था भाई मेरे, बहुत शानदार मैच हुआ था लास्ट मैच। हाईएस्ट स्कोर 182/9 यहाँ पे है सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा, जो कि पीवी के दो रन से हारी थी। 147 लोएस्ट स्कोर है, स्कोरिंग पैटर्न पे ध्यान दोगे 1 मैचों में, बाकी 170/89 दो मैचों में लगे हैं। पंजाब और डीसी का यहाँ पे 174 हाईएस्ट स्कोर है, जो कि चेस हुआ है, डीसी का पहला ही मैच था, और लोएस्ट डिफेंड यहाँ पे 182 है। बात करेंगे पिच कैसा है, देखो इस पिच का रिकॉर्ड है डोमेस्टिक में, अगर रिकॉर्ड देखोगे डिफेंडिंग मैच बहुत ज्यादा हुआ है, यानी जो टीम फर्स्ट बैट पे बैठती है उसको बेनिफिट मिलता है। और भाई मेरे, साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लास्ट मैच में आपको देखने को मिला था 147/8 बना फर्स्ट बैट पे, जो टीम थी पंजाब थी चेस कर रही थी राजस्थान, इनका भी हालत खराब हो गया था। ये तो कहिए सिमरन अटवायर अच्छा खेला उस मैच में, तो परफॉर्म की टीम जीती, उसमें भी घोड़ा उड़ गया था, 10 पैसा से 90 पैसा पंजाब आया था। पहला भी मैच पीवी के एस काफी शानदार मैच हुआ था, दो मैच से काफी क्लोज मैच हुआ था। डीसी पंजाब यानी कि ये पिच तीन मैच हुआ है, तीनों मैच कलरफुल इस पिच पे हुआ है, तीनों मैच में पंटर कमा के उठा है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो भी स्कोर होगा 160 प्लस आसानी से देखा जाएगा, 160 प्लस यहाँ पे देखा जाएगा, और बिलो 165 आसानी से इस पिच पे चेसेबल होगा, 180 प्लस इस पिच पे 175 या 80 मान लो यहाँ पे डिफेंडेबल मैच होगा, या तो फर्स्ट बैट पे बुक सेट करा के जाएगी। और दोनों टीम अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दोनों टीम के पास अच्छे बैट्समैन है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अब जो कि इस पिच पे मुलानपुर स्टेडियम में तीन मैच हुए हैं, पंजाब ने एक जीता है दो हारी है। पंजाब इस पिच पे जैसा कि पिछला मोहाली था, तो अब तो पंजाब यहां पर मुल्लापुर स्टेडियम हो गया है इनका होम पिच। मुंबई इंडियंस की बात करेंगे, पहली बार खेलने वाली है इस पिच पे, तीन ही मैच हुए तो ये पहली बार मैच खेलने वाली है। दोनों टीम अभी तक 31 बार भिड़ चुकी है, पंजाब को हल्के में मत लीजिए, 15 बार मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीती है, 16 मैच हारी है, 16 मैच जीती है मुंबई इंडियंस और 15 मैच पंजाब किंग जीती है, जहां 9 फर्स्ट बैट 6 सेकंड बैट पे, 6 फर्स्ट बैट और 10 सेकंड बैट पे मुंबई इंडियंस जीती है। लास्ट मैच पंजाब और मुंबई का कहां हुआ था आपको, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन बिंद्रा में हुआ था, जब वहां का पंजाब का होम पिच था 2023 में। घोड़ा मैच 214 चेस 5 पैसा का घोड़ा 214, फिर पीवी के साथ देखो डिफेंड के उड़ा के, ये भी घोड़ा मैच हुआ था मुंबई उस मैच में 30 पैसे थे। उसके बाद देखो 198/135। लास्ट तीन मैच काफी हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं, 195 प्लस स्कोर हुए हैं। अब पिच डिपेंड करता है वहां पे पिच कैसे बनाएंगे, पिछला मैच तो आपको देख रहे मिला काफी लो स्कोरिंग मैच हुआ था, 150 की बिलो टीम पंजाब सिमट गई थी, ज्यादा स्कोर नहीं बना पाई थी। इस पिच पे दोनों टीम पहली बार मैच खेलने वाले हैं, रिसेंट फॉर्म देखने को मिलेगा पंजाब की तरफ से, डीसी और जीटी दोनों टीम ऊपर नीचे की टीम है, 7वें और 8वें पोजीशन पे, पंजाब 7वें पोजीशन, मुंबई 8वें पोजीशन पे। और ध्यान में रखिएगा भाई मेरे, और दोनों टीम सेमी मैच जीती है, हाँ लेकिन पंजाब अच्छा मैच बना के जीती है, घोड़ा मैच बना के जीती है। वहीं मुंबई इंडियंस की बात करें, दो मैच डीसी और आरसीबी से जीती है,
दोनों का कॉमन है, दोनों टीम एक मैच दिल्ली कैपिटल से जीती हुई है। टीम न्यूज बात करेंगे, सैम करन स्क्वाड को लीड करेंगे, अभी शिखर धवन को एक वीक के लिए रेस्ट दिया गया है तो कैप्टेंसी नहीं करेंगे, ध्यान में रखिएगा। मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या को स्क्वाड को लीड करेंगे, प्लेइंग 11 सेम रहेगा। क्या यहाँ पे फिर पांड्या की कैप्टेंसी रंग लाएगी या फिर डूबेगी टीम, चलिए यहाँ पे बात करेंगे एनालिसिस में, क्या मुंबई इंडियंस अच्छा कर पाएगी कि ना। पंजाब टीम की बात करें, अथर्व टेढ़े को बुलाया गया था शिखर धवन के जगह, लास्ट मैच में परफॉर्मेंस डाउन था, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जॉनी बेस्टो टॉप ऑर्डर में डाउन है, एक ही मैच में चला है वो भी एलएचजी वाले मैच में, उसके अलावा शिखर धवन के साथ अच्छा पार्टनरशिप किया था उसके बाद नहीं चला। परम सिमरन सिंह, सैम करन, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, लियाम लिविंगस्टन, हरप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल और कगिसो रवाडा और सुदीप सिंह, यहाँ पे इंपैक्ट में आशुतोष शर्मा, राहुल चहर, नाथन एलिस अपने तीन इंपैक्ट डालेगी, जो भी प्लेयर अपने सिचुएशन के अनुसार, टीम सिचुएशन के अनुसार लाएगी प्लेयर को। मुंबई इंडियंस की बात करेंगे, रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टीम डेविड, रामेश अपन, मोहम्मद नाबी, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली जी, दोनों टीम के प्लेइंग 11 आपके सामने हैं। अगर एनालिसिस बात करेंगे, पंजाब टीम्स के टॉप ऑर्डर हमेशा फेल रहे हैं, अगर टॉप ऑर्डर ही नहीं चलेगा तो मैच कैसे आगे बढ़ेगा पावर प्ले में स्कोर करने में। जॉनी बेस्टो तो एक मैच के अलावा फेल ही रहा है। जितेश शर्मा की बात करेंगे, विकेट कीपर है, एक मैच में मुश्किल से 30 रन एवरेज बना के चल रहा है, इसे ज्यादा नहीं। सैम करन अपने आप को प्रमोट किया है, कैप्टन बना है, प्रमोट भी किया है, बैटिंग ऑर्डर में फ्लॉप रहा है, बॉलिंग में हाँ विकेट लिया था पिछला मैच में, 2 विकेट लिया था ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ कगिसो रवाडा को मिला था, इकोनॉमिकल अच्छा था, अच्छा इकोनॉमिकल 6 के आसपास था, 6 के बिलो था कगिसो रवाडा का। दो नए प्लेयर डेब्यू किए थे टीम में, शशांक सिंह और आपको एक प्लेयर आशुतोष शर्मा, दो प्लेयर थे। शशांक सिंह पिछला मैच में नहीं चला राजस्थान वाले में, लेकिन हाँ आशुतोष शर्मा 2-3 मैचों से परफॉर्म दे रहा है, जब से खेल रहा है परफॉर्म दे रहा है। तो टीम के पास थोड़ी सी दिक्कत है डेप्थ, अगर इनकी डिमेरिट देखा जाए, अगर ये इनके पास स्पिन को जो कि रन बचा सकते हैं, स्पिन अटैक की कमी है, पेस अटैक यहाँ पे मैच तो पिच तो ऐसा है ही, पेस को मदद मिलता है और पेसर यहाँ पे इस पिच पे बिगड़ लेते हुए ज़्यादा दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ स्पिनर जो कि रन रोक पाए, पेसर तो मार खा रहे हैं, हर्षल पटेल भी मार खा रहा है पंजाब की तरफ से, रन रोक पाए ऐसे प्लेयर पंजाब में है नहीं। मुंबई इंडियंस की बात करेंगे, अब रोहित शर्मा की कैप्टेंसी टीम मिस कर ही रही है, हार्दिक पांड्या देखो खुद चला गया था सीएसके वाला लास्ट मैच में, हारी थी टीम कुछ चला गया था, बॉलिंग किया धोनी ने उसे मारा, तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी काफ़ी घटिया देखने को मिल रही है, उसकी कैप्टेंसी यहाँ पे रंग नहीं ला रही है, कहाँ किस बॉलर को भेजना है उसे ये पता नहीं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैप्टेंसी एक मायने रखता है हार्दिक पांड्या का। यहाँ पे रोहित शर्मा, ईशान किशन टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अच्छे परफॉर्म करेंगे, सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे 2 मैच में अच्छा करते हुए नजर आया है, तिलक वर्मा, टीम डेविड, रामदेव सपाट, मोहम्मद नाबी, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह, विराट, बॉलिंग और बैटिंग अटैक बहुत अच्छा है मुंबई इंडियंस एज कम्पेयर टू पंजाब की, लेकिन वही मुंबई इंडियंस के पास एक कमी है, क्या अच्छे कैप्टेंसी को कहाँ कैप्टन कहाँ बॉल किस ओवर में फेंकना है ये नहीं कर पा रहा है। अब देखो दोनों टीम के पास थोड़ी स्पिन अटैक की कमी है दिख रहा है टीम में, दोनों टीम के पास मुंबई इंडियंस हालांकि ऑन पेपर काफी स्ट्रॉन्ग है। ड्रीम 11 टीम की बात करेंगे, जॉनी बेस्टो, रोहित शर्मा, शिखर धवन, सूर्य कुमार यादव, शशांक सिंह, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सैम करन, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और माधवाल, टीम प्लेइंग 11 ले लेना। सूर्य कुमार यादव इस मैच में ले चल रहा हूँ, पिछला मैच में फ्लॉप रहा था तो इसलिए इसको ले चल रहा हूँ, कैप्टन बना के चल रहा हूँ, सैम करन के वॉइस कैप्टन, बैट्समैन भी है क्योंकि अपने आप को प्रमोट किया है टॉप ऑर्डर में, साथ में 2 विकेट निकाल ही ले रहा है, तो वॉइस कैप्टन जाइए सैम करन के लिए अच्छा। कैप्टेंसी भी यहाँ पे दोनों टीम के पास कैप्टेंसी उतनी अच्छी नहीं है, इस बात का ध्यान, सैम करन भी उतना मजा हुआ प्लेयर नहीं कि कैप्टन के लायक यहाँ पे कैप्टेंसी कर पाए, इस बात का ध्यान। अब प्रिडिक्शन क्या है, जो टीम अगर मुंबई इंडियंस फर्स्ट बैट पे आती है, देखो मुंबई इंडियंस तो हर मैच में आपको रेट दबा के रखी है, 60 पैसा से ओपन ही होता है उसके अगेंस्ट किसी भी टीम का, सीएसके का भी मैच देखने को मिला था 60 पैसा से ओपन हुआ, तो ध्यान रखिएगा मुंबई भी इंडियंस फर्स्ट बैट पे आती है जब तक 170+ स्कोर ना बनाए तब तक आप कुछ कीजिए ना, रेट आपको मिलेगा भी नहीं उस मैच में, ऐसे तो मैच मैं बोलूँगा सजेस्ट करूँगा मुंबई इंडियंस वाला स्किप करके चलो बहुत अच्छा रहेगा, फिर भी आप मैच देख लीजिएगा, यहाँ पे 175+ डिफेंडेबल स्कोर होगा, 165 बिलो चेसेबल स्कोर होगा, ध्यान में रखिएगा। फिर भी कोई डाउट हो मैच सेशन से, क्या पूछना है कुछ जानना हो, 9319409522 का व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कीजिए, काफी प्रॉफिटेबल काम दिया जा रहा है। अब मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा कमेंट भी बताओ, आपके लिए हर वीडियो में डेली आपको दिया हूँ काम, हर वीडियो में बता के दिया हूँ कैसे मैच होगा कैसा, तो इस वीडियो में बताओ कौन सी टीम यहाँ पे जीतने वाली है, वीडियो अच्छा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो में आप।